हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो आपने देख लिया होगा थंबनेल में कैसी होने वाली है। आज की वीडियो हाउ टू कंट्रोल द जाइंट, एक जाइंट ब्रीड को कैसे कंट्रोल लगे और कैसे मैनेज बनाएं। तो इसको देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा, मेरी हाइट देख सकते हो और ये जब बैठने के बाद ये बैठा है और मैं बैठा हूँ तो अंतर आपको दिख ही रहा होगा। क्योंकि अगर ये ब्रीड आप पालने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका दिल इसी चीज को देख के आया होगा कि इतना बड़ा डॉग मुझे भी पालना है, लोग मुझे भी पहचाने। तो बिल्कुल सही है, इसी चीज के लिए ये डॉग पाला जाता है। और ये डॉग जितने ज्यादा बड़े होते हैं उतने ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि नहीं, जितना बड़ा डॉग ब्रीड होगी उतना उसको पालना बड़ा मुश्किल होगा, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तो जितना जितना आप एक पोमेरियन को कंट्रोल कर सकते हो ना, उतना ही मेंटेनेंस लगेगा। क्योंकि सारी चीजें ध्यान उतनी ही रखनी है, बस क्वांटिटी बढ़ जाती है। खाना इतना दे रहे हो तो इतना देना है, बस उस चीज के बारे में बढ़ जाएगा। बाकी आप बिहेवियर के बारे में सारी चीजें अगर अच्छे से नॉलेज है तो कितने भी बड़े डॉग ब्रीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो भी एक वॉइस की पे। जैसे कि कम ये बॉय, ये जब भी बोलो वेलकम बॉय, वेलकम, जब भी आता है तो इस तरीके से करता है। कभी कभी अब इसका मन होता है गेस्ट को देख के अपने आप भी करने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें इसके बारे में। बट क्या है कि ये चार साल का हो गया है और जब ये 3 महीने का था, छोटा सा था। इसकी वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर हम आई बटन में दे देंगे क्योंकि वो ब्रीड हमने उस पर वीडियो बना रखी है। ये तब से मेरे अंडर में है, जब भी मैं स्टार्टिंग में ट्रेनिंग सीखा हुआ था तब मैंने इसको ट्रेन करना शुरू किया था, उसका ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद अब ये पूरा 4 साल का हो गया, तब से अब तक वो तब मेरे टच में है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई रखने में, पूरा कंट्रोल है, ऑनर भी पूरी तरीके से हैप्पी है। तो सारी चीज़ें इसके बारे में आज जानेंगे, कैसे क्या फूड रहता है, कैसी जगह होनी चाहिए रखने के लिए, कैसे डॉग ब्रीड को रखें, क्या मेंटेनेंस होगा। तो पूरा एंड तक देखना है, बिहेवियर के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज मिलेगी। उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक जेन्युइन फीडबैक ऑनर का, जो कि 4 साल से लगातार देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी नहीं बता पाता, मैं बिहेवियर के बारे में बता सकता हूँ बट ये डॉग बिहेवियर को खुद समझ के उसका मेंटेनेंस क्या है वो भी अपने हिसाब से बताएंगे। तो आप उन चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये डॉग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ग्रेडन डॉग का ग्रेडन नस्ल का डॉग है। ये काफ़ी जाइंट होते हैं, इनका 120 पाउंड तक यानी कि 60 किलो तक वजन होता है, 45 से 60 के बीच में वजन रहेगा नॉर्मली। और हाइट जो रहती है इनकी करीब 32 इंच तक रहती है। तो नॉर्मली जो हाइट रही 32 से 35 इंच भी हो जाता है। लोग इसकी क्रॉपिंग करा के भी रखते हैं, जिसको आपको देख के एक्साइट मतलब थोड़ा सा आप उसको देख के अट्रैक्ट होते हो। और टेल भी क्रॉप कराई जाती थी बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि मेनका गांधी जी ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए इस चीज़ पे, तो आप इसको नहीं कर सकते ऐसा। इंडिया में बैन है क्रॉप कराना और कराना भी नहीं चाहिए क्योंकि टेल जो डॉग की होती है वो लैंग्वेज का काम करती है, उसकी जुबान का काम करती है। अगर जब टेल से ही सारे एक्सप्रेशन बताता है डॉग, जब वो खुश होता है तो हिलाता है, डरता है तो नीचे दबा लेता है, अलर्ट रहता है गुस्से में तो ऊपर कर लेता है। ये सारी चीज़ें हैं जो डॉग अपनी टेल के थ्रू बताता है, अगर हम उसको ही कटवा देंगे तो वह गलत चीज़ है। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जब ये 3 महीने का था तब ऑनर इसको लेके आए तो बहुत प्यार से रखा गया, मेरे अंडर ट्रेनिंग में आया। ट्रेनिंग में इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा। स्टार्टिंग मैंने भी ट्रेनिंग सीखी हुई थी बट तब भी इसने बहुत ज़्यादा उस समय भी कोऑपरेट किया और अब तक उसको सारी चीज़ें याद हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे हम देखते हैं ना पोमेरियन को पालते हैं तो उतना गुस्सा करता है छोटी छोटी बात पर, उसको इंजेक्शन लगवाना होता है तो पकड़ना पड़ता है, तो इसको महसूस नहीं होता है वो सारी चीज़ें, बहुत आराम से काम भी करवा लेता है। इसका मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, मुँह खोल के दवाई ऐसी डाल सकते हो, पोमेरियन इवन काट भी सकते हैं। उनका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, वो इतनी जल्दी नहीं समझते हैं बट ये एक वॉइस पर कंट्रोल है। ये डॉग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करता है और आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा डॉग है तो कैसे कंट्रोल होगा। आप जब भी डॉग को लेके आए तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपके घर का एरिया कितना है। एरिया में जैसे ये आप देख रहे हो इतना पूरा, इसको छोटे से छोटा घर है फिर भी इसको बाहर घूमने के लिए जैसे सोशलाइज हो सके इसीलिए पूरा बाउंड्री लगाई गई है। इसमें ज़्यादा पेड़ इसीलिए नहीं लगाए गए हैं कि पेड़ ज़्यादा होंगे तो इसको दिक्कत होगी, ग्रास होगी। तो इसका थोड़ा हल्का रफ है ये सरफेस, इसमें घूमता रहता है तो उसके नेल भी जो है ना पूरे ब्लेंड हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, आगे से घिस चुके हैं उम्र के साथ, 4 साल के हिसाब से इतने ठीक है नाखून, तो इन पर घिसते रहते हैं नाखून डेली। ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक के लिए जाता है। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब लाएं तो हम कैसा एरिया इसको मेंटेन करें। आपको थोड़ा थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियोस ऐसी होती है हमारी इंडोर नहीं बना सकते, जहाँ अवेलेबल है डॉग जैसे यहाँ जैसे माहौल में कम्फर्टेबल है उसके साथ बैठ के वैसे ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे जाल इसलिए लगाया हुआ है कि जैसे लोगों को देखता रहे, सोशलाइज होता रहे वो। हाँ बॉय ये कुछ कहना चाह रहा है मुझसे, अगर इसको लगता है कुछ बात करनी है तो अपना ध्यान खींचने के लिए इस तरीके से करता है। ये डॉग भौंकते कम है, जितने बड़े होते हैं शांत उतने ज़्यादा रहते हैं। आपको नहीं लगेगा घर में कोई डॉग पाला हुआ है, बस खेलता रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। और ये नहीं है शोर मचाए और डॉग्स की तरह, बहुत सारे डॉग्स हैं जो शोर मचाते हैं, छोटी छोटी बात पर भौंकते हैं, ये सिर्फ ग्रॉल करते हैं, गुर्राते हैं और बस शांत हो जाते हैं, फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करते ये। तो आपको पहले एक व्यवस्था करनी है, इतना बड़ा डॉग पालने की सोच रहा है इवन कोई भी जाइंट ब्रीड,
तो जैसे रॉटवेलर के लिए भी ये लागू होता है, नेपोलियन मैस्टिफ, तिब्बतन मैस्टिफ, जो भी जाइंट ब्रीड के डॉग लोग अकीता वगैरह ये पालते हैं, बट उनको तो ठंडा मौसम चाहिए होता है, बट वो भी जाइंट ब्रीड के डॉग है। फ्रेंच मैस्टिफ हो गया, नेपोलियन मैस्टिफ तो बताई दिया मैंने, ये ग्रेट डेन हो गए, तो ऐसी जो भी बड़ी ब्रीड है, बुल मैस्टिफ, तो सबको इतना बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि ये लेजी ब्रीड होती है और इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होती है, सिंसियर होती है। तो ओपन एरिया में रखना है, सोशलाइजेशन होता रहे, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, पहले से आपको व्यवस्था करनी है, जब पाल लिया डॉग उसके बाद आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो छोटा पब लाने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब छत पे आपके इतना स्पेस होना चाहिए कि अगर आप उसको, जैसे बारिश का मौसम है, अगर नहीं छोड़ सकते तो छत पर भी उसको एक कवर्ड होता एरिया उसको छोड़ दो, तो वहाँ घूमता रहे, देखता रहे, रात को छोड़ सको, तो ओपन स्पेस इनको ज़्यादा चाहिए होता है, ये बंद होकर घर में नहीं रह सकते, जैसे हम लोग बोर हो जाते हैं तो ये डॉग्स भी बोर हो जाते हैं। ये इतनी समझदार डॉग ब्रीड है, जब इसको कहीं जाना होगा, कुछ कहना होगा, तो अपने आप इंडिकेट कर देगा, पैर ऊपर रखेगा, नहीं मुझे जाना है, कुछ करना है, तो सारी चीजें, हाँ बॉय रिलैक्स, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये कह रहा है यहाँ से मुझको जाना है, ये बोर हो रहा है यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है, ये इसके साथ खेलना है, इसकी दो बातें हो सकती हैं, फिलहाल इसको ये जगह छोड़नी है, ठीक है, मतलब इस एक ही जगह फिक्स नहीं रहना है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, वो लैंग्वेज आपको धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाती है। नो बॉय पैट हैबिट, बस इनमें एक प्रॉब्लम होती है, इनकी लार बहुत टपकती है, आप देखेंगे, बस साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जब भी लार टपकेगी आपको पोंछते रहना होता है कपड़े से, जिससे मक्खियां वगैरह ना लगे और स्मेल ना आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम थे कहाँ पर कि हम एक एरिया ऐसा चूज कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है डॉग के लिए, इतना ही सर्टेन घर में ही दे सकते हो, आपको ये मान के चलना है 40 से 45 मिनट इसके लिए टाइम निकालना ही निकालना है, वो पर्सनली टाइम होगा इसका, मतलब जब भी आप इसके साथ बाहर निकलोगे तो एक राउंड कम से कम 1.5 किलोमीटर का लगा के आना, जिससे इसकी हैबिट में आ जाए, इसकी बोन्स मसल्स जो होती हैं वो तभी स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, कि अगर इतना बड़ा डॉग है इसको तभी आप मेंटेन कर सकते हो, कि ये इसकी जो मसल्स हैं, जितना वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से इनकी रनिंग से ही वॉक होती है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कर पाएगा तो ये ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती है, और उसके लेग बेंड होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है डॉग्स में, क्योंकि दूसरी चीज़ आप टाइम के साथ साथ इसको ये ध्यान रखेंगे इसका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा आप पूरा दे पाएं इसको, ऐसा नहीं है कि कम डाइट हो जाए, खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं, तो एक्सपेंस खाने पे अच्छा आने वाला है, मतलब एक जो नॉर्मल जो लैब्राडोर रखते हैं उससे डबल इसका खाना होता है, बट क्या है बड़े होकर ये खाना आधा कर देते हैं, आधा मतलब वन टाइम डाइट लेते हैं मोस्टली, ये दोनों टाइम ये खाना नहीं खाते, इस डॉग की यही खासियत होती है कि आप सोचो कि दोनों टाइम ये खाना खाए, तो जाइंट ब्रीड बड़ा होने के बाद एक ही टाइम खाना खाती है पेट भर के, तो उतने में हो जाता है, जितना लैब्राडोर एक दिन में पूरा खाता है उतना ये एक टाइम में खा के बस अपना पूरा कर लेता है एडल्ट होने के बाद, बट 1.5 से 2 साल तक आपको पूरा अच्छे से फीडिंग करानी है, उस समय डाइट बहुत ज़्यादा रहती है, 2 या 3 लैब्राडोर आपके आराम से खा लेंगे, और सुसु पॉटी के लिए भी आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा डॉग जितना खाता है उसी हिसाब से वेस्टेज भी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। नो बॉय लेट्स, व्हाट डू यू वांट टू डू, ओ नो रिलैक्स, सिट बॉय, सिट स्टे, रिलैक्स, बहुत हो गया, सिट सिट बॉय, रिलैक्स, सिट अब रे, सिट गुड बॉय, डाउन हियर, डाउन स्टे। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है, और दूसरी डॉग ब्रीड से, जिन डॉग ब्रीड का वेट कम होता है, जो कम वेट वाले होते हैं, अब ये तो करीब 60-65 किलो तक का नॉर्मल रहता है, 45 किलो से 65 किलो तक का हो सकता है ये, और 32-33 इंच इसकी हाइट होती है, बट इससे अलग जो और ब्रीड हल्की होती हैं, तो क्या है उनकी बॉडी वेट भी कम होता है, तो बोन जैसे जैसे ग्रो होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं, तो बोन की डेंसिटी मजबूत वो होती जाती है, उस हिसाब से बॉडी वेट को गेन करती रहती है, उसको बियर करने की क्षमता उनमें बढ़ती जाती है। ये क्या होता है, जैसे 1 महीने का डॉग होगा तो अदर ब्रीड के 2-3 महीने के डॉग के बराबर इसका साइज होने लगता है, छोटा पप भी इसका काफ़ी बड़ा होता है साइज में, और ब्रीड के जो पप होंगे वो 2-3 महीने के होंगे, तो इसका जो इतनी बड़ी ब्रीड्स के जो पप्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, 2.5-3 महीने का आपको लगेगा देखने में, अगर इसको पता नहीं होगा आपको, तो थोड़े बड़े रहते हैं, तो क्या होता है उसमें बोन तो उतनी वीक होती है क्योंकि डेवलप उस समय नहीं हुई होंगी, बट जब बॉडी वेट बढ़ता है तो उनके बैंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये बॉडी से ग्रो होते चले जाते हैं, मगर वो जो उनके अंदर मजबूती आती है वो एक्सरसाइज प्रॉपर और अच्छे न्यूट्रिशन से आती है, अगर वो नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। प्रोटीन वाली चीज़ें खूब देनी है इनकी डाइट में, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कैल्शियम देने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है कि बॉडी में नहीं, तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी ये पॉटी करते हैं तो पॉटी लूज लूज हो रही है, तो यानी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है इनकी बॉडी में, तो उसके लिए आपको विटामिन डी वगैरह सारे साथ में देने होते हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये ग्रोथ उतनी प्रॉपर नहीं आ पाती है, आपकी स्टार्टिंग की ग्रोथ होती है, यानी 15 दिन भी आपने डिले किया स्टार्टिंग में, जरा सी लापरवाही हुई न्यूट्रिशन में, तो 15 दिन की ग्रोथ मतलब उसकी 2.5-3 महीने की ग्रोथ 3-4 महीने की मारी जाती है, जिसमें कि वो उतना कम ग्रो कर पाता है, अब वही उसका ग्रोइंग फेज होता है, तो हमें स्टार्टिंग के 8 महीने तक इनको प्रॉपर एकदम
इंस्टेंट वो इंस्टेंट केयर जो होती है इस पर रखना होता है, मतलब जिस चीज़ की जरूरत है तुरंत इसको मिलनी चाहिए, डिले नहीं करना है। अब इससे लगा जाता है बिहेवियर कैसे बनाएं, तो जब भी ये 3 महीने का होना शुरू हो, जैसे वैक्सीनेशन हो जाए, इसको लेके बाहर निकलो, खड़े हो जाओ एक जगह, लोगों से मिलवाओ, दोस्तों के साथ खड़े हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका सोशलाइज जो बिहेवियर है ना वो इसमें अंदर डेवलप होगा, सोशलाइजेशन बढ़ता रहेगा। मान लीजिए ऐसा नहीं है, इतना बड़ा डॉग अगर एग्रेसिव हो गया तो मेन प्रॉब्लम आपके दिमाग में ये है, इतना बड़ा डॉग कंट्रोल कैसे करेंगे, तो आपको चीज़ें फॉलो करनी है, डॉग कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, खड़े होना है, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो वहाँ खड़ा कर लिया, बैठा लिया, उसको शैतानी करते हैं, काटते नहीं, उस समय छोटे होते हैं तो उसको मना करते रहे, नो ये नहीं करना है, नॉर्मली बैठा हो। जितना आप डिसिप्लिन में रखेंगे उसको, खुद भी आपको उतना डिसिप्लिन में रहना होगा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ेगा। आपको सोशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और डिसिप्लिन में खुद भी रहना है और उसको भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए डिसिप्लिन कर रहे हो और आप कुछ भी कर रहे हो। खेल के टाइम पे टाइम फिक्स करो उसका, चलो खेलने चलते हैं, बोला उसको लेके चल दिए पार्क में, नो अब नहीं करना, उसके बाद तो नहीं करना है, तो डिसिप्लिन में रखना है पूरा पूरा इसको, तो धीरे धीरे सोशलाइजेशन बढ़ जाएगा, अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। एक एक वॉइस पे कंट्रोल होगा, डॉग जो आपके घर में लैंग्वेज यूज करते हैं नॉर्मली वो उस लैंग्वेज को पकड़ने लगेगा। अभी आपकी ऑनर से जब बात होगी, आप देखेंगे ना ऑनर का फीडबैक, तो खुद ही पता चल जाएगा आपको कितना सिंसियर डॉग है। और एक किसी भी जगह में जहाँ आप बोलेंगे वहाँ बैठ भी जाता है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी इसकी बैठने की। इसके साथ साथ आपको इसका बेड की व्यवस्था बहुत ज़्यादा रखनी है। अब बात आती है कि कैल्शियम, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब बात आती है इसकी बैठने का एरिया कैसा होना चाहिए। आप एक लैब्राडोर को, एक पोमेरियन को, मतलब कहीं पर भी रख सकते हो, या फिर किसी भी हल्की ब्रीड को, जर्मन शेफर्ड को कहीं पर रख सकते हो, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं तो एक लेयर सी बन जाती है स्किन और बालों के बीच में, और वो जमीन पर जब टच होता है, और क्या होता हैवी इतना नहीं होता है वजन, जिससे किसी टिश्यू उसके रप्चर नहीं हो पाते, दबते नहीं है। इसमें क्या होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके ये यहाँ पे टिश्यूज जो होते हैं ये ग्रेट डेन के, यहाँ पे रप्चर हो जाते हैं और रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के एक पाउच जैसा बन जाता है, कैविटी बन जाती है स्किन के बीच में, और उसमें फ्लूड भरने लगता है, इसको हाइग्रोमा बोलते हैं। तो हाइग्रोमा टाइप का हो जाता है, इसमें फ्लूड भर जाता है बहुत। ये मोस्टली जॉइंट ब्रीड के साथ ही होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, हम नॉर्मल फर्श पे जब रखते हैं या फिर चिकने फर्श पे रखते हैं, वो रगड़ता रहता है, और क्या जख्म नहीं होती है, उसमें कैविटी में पानी भरने लगता है, फिर वो फ्लूड निकलवाना पड़ता है, ऑपरेट करवाते हैं तो फिर दिक्कत आती है। जब ऑपरेट करवाएंगे, स्ट्रेचेस लगते हैं तो जल्दी सही नहीं होते नीज़ पे, जो क्योंकि बैंड होती रहती है, तो वो प्रॉब्लम ना आए तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बाकी ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली हो। और इससे अलग इसका नेचर वाइज अब मैं बता दूं आपको, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हो गई, सारी चीज़ें आपको पता चली गई है, और अब नेचर की बात आती है, तो मैं नेचर के बारे में बता दूं। अब इसका नेचर क्या होता है, इसका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा शांत होता है, काम ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव हो जाते हैं, इनकी पावर इतनी होती है, एक बार इनको अंदाज़ा लग जाए कि मैं गुस्से से कंट्रोल करवा सकता हूँ चीज़ें, तो ये फिर गुस्से का यूज़ करते हैं। इनको पता नहीं चलने देना है, टाइम से पहले सारी चीज़ें इनको देनी है, गुस्सा आने की वो एक फेज तक नहीं आने देना है। एग्रेसिव हो तो डांट देना है, फालतू किसी को बार करे तो डांट देना, ये नहीं कहना है, डॉग को थोड़ा बार करना चाहिए, जरा से ढील देंगे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो चला जाएगा, फिर तो उसके बाद दिक्कत होगी। तो शुरू से अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि इतने बड़े डॉग का घर पे किसी के आने पे भौंकना ज़रूरी नहीं है, इसका खड़ा हो जाना ही काफ़ी है, इतने में बाहर से आने वाले की हालत ख़राब हो जाती है। जैसे ही अगर नए पर्सन से मिलेगा ना, ये कुछ नहीं करेगा, बस देख लेता है इसको सीधा होके ना घूम के, तो बस उतने में वो उसकी हिम्मत नहीं होती इससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि एक बार में इसकी बाइटिंग फोर्स, सारी ताकत इतनी है कि अगर पकड़ लिया कसके तो अच्छी अच्छी हड्डियों का मजबूत से मजबूत चकनाचूर कर सकता है ये। तो ऐसा कोई आपको ज़्यादा एग्रेसिवनेस से नहीं पालना है कि इसको बहुत ज़्यादा गार्ड बनाना है, गार्ड के लिए ट्रेंड नहीं करना है ग्रेट डेन को कभी भी। अगर आप गार्ड के लिए ट्रेंड कर रहे हैं जॉइंट ब्रीड को, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि एक बार कर तो देते हो ट्रेंड, उसके बाद क्या होता है आपसे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहते, ट्रेनर कोई जल्दी नहीं छूने चाहता इसको, छुएगा क्योंकि उसके रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कोई आपको ट्रेनर नहीं मिलेगा, शांत नहीं होगा, उसके बाद अगर मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कैनल पे छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद डॉग को कितनी प्रॉब्लम होती है, बीमार हो गया तो इलाज करना बड़ा मुश्किल है उसका, तो सारी चीज़ें इनका ध्यान रखना है। इवन आपको मेडिसिन खिलाने में दिक्कत होगी, वैक्सीनेशन कराने में दिक्कत होगी, तो आपको गार्ड की तरफ इनको ज़्यादा मोल्ड नहीं करना है, इन डॉग्स को गार्ड करना है प्रॉपर, एक हद तक बस रहने देना, घर में पला हुआ है डॉग, शांत रखना होता है इन डॉग्स को, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप गार्ड बना लिया आपने, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, बट वो सिंगल हैंडल डॉग होते हैं, फैमिली में कभी ऐसा ना करें, फिर इनकी लाइफ खिलवाड़ बन जाती है। अगर आपने छोड़ दिया एक बार इनको, कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, फिर एक ऑप्शन रह जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखा है कि लोग मिलते हैं कि भाई अब इसका ओल्ड एज हो गई और एग्रेसिव अभी तक है तो क्या करें इसके साथ, तो एक पेनलेस डेथ इवन करवानी पड़ती है उनकी, जिससे कि इतना बीमार हो जाते हैं, इलाज पैर भी टूट गया, इवन इलाज करवा नहीं रहे हैं, या फिर जख्म हो गया है, अब वो तड़प रहा है, तो क्या होता है उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उसकी पेनलेस डेथ हो जाती है, तो उस केस तक ना पहुंचे। वो क्यों पहुंचती है, इसी रीजन की वजह से कि स्टार्टिंग में कोई नहीं सोचता है हमने ऐसा कि क्या होगा इसका परिणाम अगर हमने इसको गार्ड बनाया, तो
सोचिए खुद, वो एक जानवर है, उसको आपने जैसा मोल्ड किया उसकी गलती नहीं है अगर वो गुस्सा कर रहा है, काट रहा है, गलती आपकी है कि आपने उसको कैसे ट्रीट किया। तो ये सारी चीजें ना आए तो एक अच्छे बिहेवियरिस्ट या डॉग ट्रेनर की हेल्प लेनी चाहिए आपको, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए जो डॉग के बारे में समझता हो, आपको समझा है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसी ब्रीड पालने के बारे में सोच रहे हो तो एक डॉग साइकोलॉजिस्ट जरूर हायर कर ले या किसी की सलाह ले, एडवाइस ले। 2-3 हज़ार रुपये में, 4 हज़ार रुपये में ऐसा कुछ नहीं चला जाता है, क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, आपने शौक से पाला हुआ है, बच्चे की तरह पाला हुआ है, इसको दिक्कतें ना हो। तो आपने देखा इतनी नॉलेज मैंने पूरी वीडियो में दे दी आपको, जो कि बिल्कुल फ्री है, बट आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली सबको बताना मुश्किल होता है कमेंट में या फिर नंबरों पे। तो हमने उसके लिए छोटे छोटे कोर्सेज डिजाइन किए, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे अपने डॉग को ट्रेन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड जय हिंद।